हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बात करने वाले हैं दयानंद वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून के बारे में। तो इसकी जो है बीएड की फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है आ चुकी है। कॉलेज ने जो है आज इसकी पहली जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर दी है। तो जो फर्स्ट मेरिट में जिनका नाम आया है उन स्टूडेंट्स को यहाँ पे जो एडमिशन्स की जो डेट दे रखी है कॉलेज ने, वो दे रखी है 12 से 16 नवंबर तक। ठीक है, तो 12 से 16 नवंबर तक आपको एडमिशन्स ले लेना है। अगर आप 16 नवंबर तक आप एडमिशन्स नहीं लेते हैं तो आपका जो मेरिट में नाम आया है उसको रिजेक्ट करके जो वेटिंग लिस्ट में है उनको यहाँ पे एडमिशन्स दिया जाएगा। ठीक है, जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी यहाँ पे कॉलेज की तरफ से वो 16 नवंबर को यहाँ पे लगा दी जाएगी। और जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट के जो स्टूडेंट्स का जो नाम जो एडमिशन्स होगा वो 17 व 18 नवंबर को यहाँ पे 10 से 4 बजे तक होगा। उसके बाद 18 नवंबर को सेकंड वेटिंग लिस्ट यहाँ पे लगा जाएगी जिसके एडमिशन्स 19 नवंबर को होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए गाइस, जो आपको एडमिशन्स किस तरीके से लेना है, जिनका मेरिट में नाम आया है उन्होंने क्या करना है, जितने भी आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आपको ले जाने हैं, साथ में आप एक सेट फोटोकॉपी का भी बना देंगे उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करके। ठीक है, इसके अलावा जितने भी आपके जो है, जैसे आपने जो HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से आपको उसमें जो समर्थ पोर्टल से उस पर रजिस्ट्रेशन करके आपने अपना जो स्कोर वो डाउनलोड कर लेना, वहाँ से NTA का जो आपका स्कोर कार्ड है वो भी आपको डाउनलोड कर लेना। ये सारे आपके सेल्फ अटेस्टेड होने हैं। ठीक है, और इसमें जो फीस है, फीस इनका जो है SLA हॉल पे सेंट्रल बैंक जो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, सामने ही है, अगर आप देखेंगे तो सामने जो SLA हॉल है वहीं पे आपको सामने ही सेंट्रल बैंक जो है इंडिया है, उसमें आपको क्या करना है, इन्होंने अकाउंट नंबर दे रखा है, इस पर आप अपना क्या जो आपको इसमें पेमेंट कर देनी है। फीस है 3,641 रुपये, ये आपको कर देनी है। ठीक है, और इसमें क्या करना है कि जो आप शुल्क जमा करेंगे तो आपको रसीद तो लेनी लेनी है, बिना रसीद के जो है आपका यहाँ पे जो है इसको जो है अमान्य माना जाएगा, तो आपको रसीद लेनी है। ठीक है, और ये रसीद भी आपको कॉलेज में जमा करनी है। ठीक है, और शुल्क जो है 3,641 है, इससे ना तो ज़्यादा आपने जमा करना है ना ही कम इससे ज़्यादा करना है। और इसमें जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो इसमें हाई स्कूल इंटरमीडिएट के मार्कशीट सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट 2 लगने हैं, ये हर किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन्स ले रहे हैं तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके सभी कॉलेज में एक जैसे ही लगेंगे। करेक्टर सर्टिफिकेट 2 लगने हैं, एक तो आपका जहाँ से लास्ट पास आउट है एक वहाँ से बनाना है, और एक किसी राजपत्रित अधिकारी से आपको बनाना है। एक पासपोर्ट साइज़ की यहाँ फ़ोटो इन्होंने मांगी है। ठीक है, और अगर आपका अतिरिक्त अंकों के सत्यापन हेतु, ठीक है, अगर आपके एक्स्ट्रा मार्क्स के वेरिफिकेशंस के लिए आपको यहाँ पे किसी सक्षम अधिकारी के द्वारा यहाँ पे प्रमाण पत्र लाना होगा, और साथ में अगर आप जैसे आपने आरक्षण का लगाया तो उसमें भी आपको क्या करना है जो है इसमें आपको दिखाना होगा किसी अधिकारी के द्वारा यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट। ठीक है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट CMO CMS से आपको बनाना है, किसी से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, और अगर आप जैसे कहीं पे जो कैंडिडेट हैं, कहीं पे आप रेगुलर का जॉब कर रहे हैं, कहीं पे जॉब कर रहे हैं आप रेगुलर हैं या परमानेंट हैं, तो आपको फिर वहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको NOC यहाँ पे प्रस्तुत करनी होगी। ठीक है, अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं, जैसे अगर आपने जैसे ग्रेजुएशन आपने जो है सिरदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से किया है या उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से किया है या किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया, तब उस कंडीशंस में आपको माइग्रेशंस भी आपको लाना पड़ेगा। लेकिन जो कैंडिडेट जिन स्टूडेंट्स ने HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही किया हुआ है ग्रेजुएशन, तो उनको माइग्रेशन की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप यहाँ पर जाएँ या किसी भी कॉलेज में एडमिशन्स लें, सब कॉलेज के लिए ये रूल्स रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरिट लिस्ट देख लेते हैं हम, कितनी यहाँ पे कट ऑफ गई है, किस हिसाब से इन्होंने बना रखी है मेरिट लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो साइंस कैटेगरी में यहाँ पे देख लेते हैं, जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने वेटेज पूरा यहाँ पे दिखाया है, जो कॉलम बना रखे हैं डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स विदाउट वेटेज और वेटेज मार्क्स के बाद, ये इन्होंने एक प्रॉपर तरीके से बना दिया है। ठीक है, तो कितने मार्क्स आए हैं और उसके बाद वेटेज का कितना मिला है ये। तो अगर बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो यहाँ पे कट ऑफ देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की कितनी कट ऑफ गई है,
तो यहाँ पे देखिए जनरल कैटेगरी में यहाँ पे 172 कट ऑफ गई है, जनरल कैटेगरी में 172 यहाँ पे गई है साइंस में, ठीक है। और जो टॉप का स्टूडेंट्स है 209 है, ठीक है, जिसके जो टॉप वन पे है उसके 209 नंबर हैं, और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 15वें नंबर पे है 172 उसके मार्क्स आ रखे हैं। तो जनरल साइंस कैटेगरी की कट ऑफ जो है 172 यहाँ पे गई हुई है। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे एससी साइंस कैटेगरी में देख लेते हैं, 144 एससी साइंस कैटेगरी में गई है, ठीक है। ओबीसी साइंस में जो कट ऑफ गई है वो 158 गई है, और एसटी साइंस में जो गई है, एसटी साइंस में जो कट ऑफ गई है 141 गई है। ठीक है, एससी साइंस में 144 गई है, ओबीसी साइंस की 158 गई है, और एसटी में जो है 141 यहाँ पे गई है, ठीक है। ये मेरी लिस्ट जो है ये इन्होंने कॉलेज में लगा रखी है ऑफलाइन, ठीक है। तो अगर दो दूर दराज के स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि वो आप कॉलेज तो आ नहीं सकते हैं देखने के लिए, तो यहाँ पे जो है इसीलिए यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट मैंने जो है कॉलेज से निकाली है। इसी तरीके से आर्ट्स में देख लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो आर्ट्स में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 140। आर्ट्स जनरल कैटेगरी में फिजिकली हैंडीकैप की जो कट ऑफ गई है वो 133 गई है, ठीक है। एससी कैटेगरी की आर्ट्स में जो गई है 105 गई है, 105। ओबीसी आर्ट्स कैटेगरी में जो है, ओबीसी की जो है आर्ट्स कैटेगरी में 130 गई है। एसटी की जो है गई है आर्ट्स में 131, ठीक है, एसटी की 131 गई है। आर्ट्स जनरल कैटेगरी का जैसा कि मैंने आपको बताया 140 गई है, फिजिकली हैंडीकैप का 133 गई है, एससी की जो है 105 गई है, ओबीसी की जो गई है 130 गई है। और बाकी एसटी की 131 ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो ये मेरिट लिस्ट है इनकी, तो अगर आपका नाम है ये, इसका मैं पीडीएफ दे दूंगा आपको, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे दूंगा, ताकि आप लोग इसमें आराम से अपना नाम देख सकें, ठीक है। तो इसका लिंक मैं जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी जो इन्होंने जिस हिसाब से बना रखी है ये मैंने आपको बता दिया है, तो ये आप देख लेना। अगर आपका नाम है इस मेरिट लिस्ट में तो आप इसको जो है फीस सबमिट कर देना, और इसका पूरी प्रोसेस ऑफलाइन है, ठीक है, एडमिशन से लेकर फीस से लेकर सारा प्रोसेस इसका ऑफलाइन रहेगा, तो आपको इसमें एडमिशन्स ऑफलाइन लेना है, ठीक है। तो इसका लिंक मैंने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया पीडीएफ का, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके अपना नाम देख लेना।